8 जनवरी 2022 को एक मिस्टर नारायण दास ईसरानी जी ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि एक प्रवीण यादव नाम का व्यक्ति जो मानेसर की एनएसजी कम्प्लेक्स में अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताता था और वहां पे हमारे को काफी लंबे चौड़े टेंडर देने के लालच में और उन्होंने हमें झूठे उसके अलॉटमेंट लेटर देके और हमारे से 65 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ले लिए अर्नेस्ट मनी के नाम पे। और उसने ये सारा फर्जी अकाउंट अपनी बहन जो रितु राज एक्सिस बैंक में मैनेजर है उसकी मदद से ये फर्जी अकाउंट खुलवाया और इस तरह से करके उसने 65 करोड़ रुपए की हमारे साथ ठगी की है। इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने एक एसआईटी का गठन किया मेरे नेतृत्व में और उसमें 4 इंस्पेक्टर्स थे और हमारी क्राइम यूनिट मानेसर थी ईओडब्ल्यू सेल। हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें जो मेन उस एक्यूज था मिस्टर प्रवीण यादव उसको हमने गिरफ्तार किया है। उसकी बहन जो ऋतुराज जो एक्सिस बैंक में मैनेजर थी उसको भी हमने गिरफ्तार किया है और उसकी मिसिज जो ममता यादव है उसको भी गिरफ्तार किया है और इसमें एक दिनेश नाम का व्यक्ति जिसने उसकी इंट्रोडक्शन करवाई थी और उसने ये साजिश रच के उसके साथ मिलके ये काम करने में उसकी मदद की थी उसको भी गिरफ्तार किया है। हमने इसकी गिरफ्तारी के बाद इसे 13 करोड़ 81 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं और आज हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे पुलिस रिमांड सीक कर रहे हैं। इस संबंध में और भी 3 एफआईआरें दर्ज हुई हैं जो एक मिस्टर देवेंद्र यादव ने और एक मिसिज जैन ने दर्ज करवाई हैं, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और टोटल मिला के 125 करोड़ के करीब का ये एलिगेशन है कि इसने गबन किया था जिसकी हम जांच कर रहे हैं।